Countdown ki number 4th spot par hai the unique bond between the queen of romance Kajol and the king of tearjerkers Karan Johar. काजोल को सिल्वर स्क्रीन की क्वीन बनाने में केजो का बहुत बड़ा हाथ है. आफ्टर ऑल जब जब इन दोनों ने एक साथ किसी फिल्म में काम किया है उस फिल्म को लैंडमार्क फिल्म माना गया है. काजोल brought something very special to Karan's films. It just lifted them from the very well mounted, very expensive set pieces to something personal, special, where people could touch and relate. Because Kajol is that extremely volatile actress. सबसे पहले इन दोनों ने दी ओल्ड टाइम क्लासिक लव स्टोरी कुछ कुछ होता है में काम किया था और दूसरी बार मैग्नम ओपस कभी खुशी कभी गम में. इसके बाद काजोल फिल्मों से सेमी रिटायर्ड सी हो गई थी और करण ने भी अपनी फिल्मों में दूसरी हीरोइंस को कास्ट करना शुरू कर दिया. मगर इनके बीच का बॉन्ड इतना स्पेशल है कि जब तक काजोल करण की फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस ना दे दे केजो को अपनी फिल्म अधूरी लगती है. और फिर वो करण जौहर ही तो थे जिन्होंने काजोल को रिटायरमेंट से बाहर आने के लिए कन्विंस किया. नतीजा ये हुआ कि करीबन 8 साल बाद शाहरुख खान और काजोल की एवरग्रीन जोड़ी को ऑडियंस ने फिर एक स्क्रीन पर देखा फिल्म माय नेम इज खान में. काजोल ने खुद करण के बारे में कहा है कि वो केजो को अपने भाई से भी बढ़कर मानती है और उनका रिश्ता सिर्फ इस लाइफ का ही नहीं बहुत सारी लाइफ टाइम्स का है. नो वंडर इन दोनों का यूनिक बॉन्ड है हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पर.